राहुल चाहेंगे कि उनका नाम सुनहरा अल्फाजों में जो है ऑनर बोर्ड पर आ जाए, कि ये एक्सपेक्टेड है कि केएल राहुल एंड रोहित शर्मा कैन मेक अ डिफरेंस विद इंडियन बैटिंग, कि वो जो है बैटिंग कर रहे हैं, जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, दे कैन मेक बिग रन्स। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखे होंगे। आज मेरे पास एक टीम टॉपिक है बात करने के लिए। एक तो न्यूजीलैंड की जो टीम पाकिस्तान और बांग्लादेश का दौरा कर रही है, दे असेंडिंग द टी20। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स शुरू होने जा रहा है कल, और कल शुरू होने जा रहा है एक और टेस्ट मैच, वो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड जमैका। पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड टूर टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। न्यूजीलैंड के जो मेन प्लेयर्स हैं, जैसे केएल जॉनसन हो गया, जेम्सन हो गया, साउदी हो गया, ट्रेंट बोल्ट हो गए, विलियमसन हो गए, और उनके जो प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं, उनको सबको उन्होंने जो है इजाज़त दे दी है आईपीएल खेलने के लिए। और टॉम लेथम है वो लीड करेंगे न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का दौरा करेगी। सो अगेन एन अपॉर्चुनिटी के यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, और पाकिस्तान के पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी, इवन बांग्लादेश के पास वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, कि न्यूजीलैंड की जो यंग साइड है, जो बी टीम आ रही है, उनके साथ वो एक टफ टाइम दे सके न्यूजीलैंडर्स को, दोनों पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। सो बी टीम का रिवाज शुरू हो चुका है सब जगह पर, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की बी टीम बनने का नाम ही नहीं हो रहा है। ये कब बनेगा, क्योंकि हमारी प्लेइंग 11 को ही बनाना मुश्किल हो रहा है, कि बी टीम की तो बहुत दूर की बात है। और दुनिया में सब जगह पर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, सब अपनी इंडिया बी सी टीम सब बना रहे हैं, लेकिन हम हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक ये जो सीरीज़ के अंदर है, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को इज्जत दे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे इस सीरीज़ के अंदर। सो नाउ कमिंग बैक टू कल से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, वो मैच शुरू हो रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और सेकंड टेस्ट मैच, पहला मैच बारिश वो आ गई, वहाँ पर इंग्लैंड वाले बच गए और इंडिया मैच जीता था कैंडिश में, लेकिन अभी लॉर्ड्स पे आ गए मैच, और लॉर्ड्स इज अ ग्राउंड वेयर एवरीवन वुड लव टू वांट टू प्ले एंड नेम उनका नाम जो है सुनहरे अल्फाजों में वहाँ पर जो ऑनर्स बोर्ड है उस पर लिखा जाता है। तो हर एक प्लेयर चाहता है कि फाइफर करें, 10 विकेट हॉल करें, या फिर 100 बनाए, बड़े रन बनाए, कि उनका नाम जो है इतिहास में हमेशा के लिए वहाँ लिखा जाता है। तो कहते हैं ना, मैका ऑफ क्रिकेट है ग्राउंड, सुपर ग्राउंड, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्राउंड इन द वर्ल्ड लॉर्ड्स का। और जो उसका लॉर्ड्स की अगर बात करें, लॉर्ड्स में एंटर ही होते बहुत बड़ा लाउंज है, फिर ऊपर जाते हैं, वहाँ जाके जो ड्रेसिंग रूम है, बड़े बड़े ड्रेसिंग रूम है, आई कैन नॉट फाइंड इतने बड़े ड्रेसिंग रूम लॉर्ड्स के अलावा कहीं हो इंग्लैंड में। वेल्स के अंदर जो सोफिया गार्डन है, उनका ड्रेसिंग रूम बड़ा है, लेकिन उसके अलावा किसी और काउंटी क्रिकेट ग्राउंड या कोई भी ग्राउंड हो जहाँ पर टेस्ट मैचेस होते हैं, सारी क्रिकेट होती है काउंटी के, इतने बड़े ड्रेसिंग रूम हमें देखने नहीं मिलते जिस तरीके से हमें लॉर्ड्स का ड्रेसिंग रूम देखने मिलता है। विकेट की अगर बात करें, लॉर्ड्स का विकेट हमेशा ज़बरदस्त रहता है, हल्का सा ग्रास होगा, स्लोप की वजह से फेवर करता है, लेकिन इट विल बी अगेन विकेट डेट विल डिसाइड करेगा कि कौन टेस्ट मैच जीतेगा। इट विल बी जो है डिसाइडिंग टेस्ट मैच विकेट के रिजल्ट जरूर निकलेगा इस विकेट के ऊपर। और अगर यहाँ बात करें स्पिनर्स का रोल, स्पिनर्स का रोल भी रहता है, अगर टीम अगर टॉस जीतती क्या करेगी, टीम अगर टॉस जीतेगी तो डेफिनेटली टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। लॉर्ड्स में अक्सर ये कहते हैं कि जो तो ट्रेडिशन रही है हमेशा से, कि यार बॉलिंग करनी चाहिए बिकॉज ऑफ स्लो, नया बॉल है, वेदर ऐसा रहेगा, थोड़ा सा ग्लूमी रहेगा एयर के अंदर, लेकिन आई थिंक बैटिंग फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। एक आध घंटा बॉल हिलेगा, उसके बाद वंस जो है ग्रुप आ जाएगा बॉल बल्ले के ऊपर, उसके बाद आप रन्स करोगे। एक दफ़ा आपने रन्स, क्योंकि आपने प्रेशर नहीं होता है कि आपने कितने रन्स करने हैं, कितनी पहली करके उसका जो पहली इनिंग में जो टीम ने रन्स किए हुए होते हैं वो रन्स करने हैं, उसके बाद उनके ऊपर रन्स करने हैं, तो ये प्रेशर नहीं होता बैट्समैन के ऊपर भी, तो आराम से बंदा जो है खेल सकता है, टाइम ले सकता है क्रीज के ऊपर और खेल सकता है। इंडिया की तरफ से अगर बात करूँ कि रविचंद्रन अश्विन और ईशांत शर्मा पिछला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन इस विकेट के ऊपर लॉर्ड्स के ऊपर इनको किसी एक को डालना पड़ेगा। आई थिंक ईशांत शर्मा को अगर डालते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, रविचंद्रन अश्विन को भी डालते हैं तो गलत नहीं होगा। माइंड सेटअप ये होगा विराट कोहली का, मैनेजमेंट का, कि जो टीम ने पिछला मैच खेला उसी टीम के साथ जाते हैं। बट लुकिंग एट द फैक्ट्स ऑफ व्हाट यू कॉल लॉर्ड्स
स्लॉट्स के अंदर बॉल ब्रेक होगा, वहाँ बॉल ब्रेक होता ही है, हमेशा होता है, और वहाँ की कंडीशन भी ऐसी होती है जो बॉल स्पिन होगा। रविचंद्रन अश्विन कैन मेक अप द इम्पैक्ट अगर टीम में वो आते हैं। बैटिंग में मेरे नहीं ख्याल से कोई छेड़खानी करेंगे, दे विल गो विद द सेम बैटिंग ऑर्डर, दे विल गो अनदर गो टू चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, उनको एक और मौका मिला जाएगा कि जाए अपने आप को प्रूफ करे दोबारा से। उन्होंने प्रूफ पहले बहुत किया, लेकिन उनकी जो करंट वो है, फॉर्म है, वो नहीं लग रही है, तो उनको और कॉन्फिडेंस देने के लिए बैटिंग साइड को नहीं हिलाएंगे बिल्कुल भी। के एल राहुल विल बी द की इन दिस लॉर्ड्स, जिस तरह फॉर्म लगी हुई है, के एल राहुल चाहेंगे कि उनका नाम सुनहरे अल्फाजों में जो है ऑनर बोर्ड्स पर आ जाए, कि ये एक्सपेक्टेड है कि के एल राहुल एंड रोहित शर्मा कैन मेक अ डिफरेंस विद इंडियन बैटिंग, कि वो जो है बैटिंग कर रहे हैं, जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, दे कैन मेक बिग रन्स, और ड्यू भी है, रोहित शर्मा से ड्यू है, विराट कोहली से भी ड्यू है, लेकिन जिस तरह की फॉर्म लगी इन दोनों की, लग रहा है कि दोनों जो है बड़े रन्स करेंगे। बैटिंग में तो ये दो की प्लेयर हो गए मेरी तरफ से। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट विल बी स्पेयर हेड बाई जसप्रीत बुमराह, जिनकी फॉर्म है, और 9 विकेट लिए पिछले मैच में ही, वुड लाइक टू अगेन मेक 10 विकेट लिए मैच के अंदर, वही मैं बात करूंगा, ऑनर्स बोर्ड पे नाम आएगा। तो जसप्रीत बुमराह एंड अनदर बॉलर विच आई एम थिंकिंग कैन बी मेक अ की फैक्टर ऑन लॉर्ड्स विकेट, इट कैन बी रविचंद्रन अश्विन, बिकॉज जो स्लोप वहाँ मिलता है, उस स्लोप से बॉल जो है ना ब्रेक होता है, ज़्यादा ब्रेक होता है, बाउंस भी होता है। तो रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे तो किसी जगह पर, मोस्ट लाइकली ही विल प्ले इन प्लेस ऑफ मोहम्मद सिराज, मोस्ट लाइकली। ये एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि दो स्पिनर के साथ आपको उतरना पड़ेगा, तीन फास्ट बॉलर है आपके पास, उसको आप रोटेट करते रहे, मतलब जसप्रीत बुमराह हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, ये आपके पेसर्स हैं, उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन और जडेजा, जडेजा तो कोई भी टीम हो वो हार तो बैठता नहीं है, तो ये दो स्पिनर मेयर मोस्ट लाइकली कैन प्ले। अगर ईशांत शर्मा को वो लेके आते इन दी एक्सपेंस ऑफ किसके ऊपर लेके आएंगे, शमी की जगह पर आई डाउटेड, शार्दुल ठाकुर आई डाउटेड, क्योंकि वहाँ पर सीम होता रहता है लॉन्च पे, तो मोहम्मद सिराज की जगह पर अगर कोई चेंज होगा तो मोहम्मद सिराज माइट सिट आउट टुमारो, एंड रविचंद्रन अश्विन और ईशांत शर्मा माइट गेट अ चांस, बट माई गो इज विद रविचंद्रन अश्विन। और जहाँ इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की अगर टीम की बात करें तो इंग्लैंड की टीम में वो ज़्यादा चेंजेस तो करेंगे नहीं, दे माइट गो विद द सेम, जहाँ सैम करन की जगह पर है, दे माइट ब्रिंग इन जैक लीच, जैक लीच को लेके आ जाए, या तो टॉम बैस को, मोस्ट लाइकली दे विल ब्रिंग बैक जैक लीच, क्योंकि जैक लीच ने इंडिया में भी परफॉर्म अच्छा किया था, जिस तरह वो बॉलर है, पक्का टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है, जैक लीच माइट गेट अ चांस, और मे बी शायद जो है जिस तरह की बाकी बॉलर है बॉलिंग की, दे उनको छेड़ना नहीं चाहेंगे, उसके अलावा जेम्स हेंडरसन हो गया, स्टुअर्ट ब्रॉड को उनको बाहर नहीं कर सकते, और उसके बाद ऑली रॉबिन्सन जिन्होंने 5 विकेट ली थी अपने सेकंड टेस्ट के अंदर ही, उनको भी बाहर नहीं करेंगे, तो मोस्ट लाइकली चांसेस ये जो है जैक लीच को लेके आए। अगर वो चाहेंगे ड्रॉप करना सैम करन की जगह पर तो मार्क वुड आ सकते हैं, लेकिन दे विल गो विद अ स्पिनर डेफिनेटली, बिकॉज जो रूट है वो स्पिन कर लेता है, तो डेफिनेटली दे माइट गो विद जैक लीच। तो ये तो है जिस तरह की सिचुएशन है वहाँ पर, तो लग रहा यही है कि रविचंद्रन अश्विन आए, और जो है मैं ये बात यहाँ कहता चलूँ कि टॉस जीत के बैटिंग करेगा उसी का पलड़ा भारी रहेगा, बट इट विल बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट एट लॉस, और ये है कि यही दुआ है कि बारिश जो है वो दूर रहे, टेस्ट मैच देखने का पूरा मौका मिले हमें, और जो टेस्ट क्रिकेट का मज़ा ही अलग होता है, तो टेस्ट क्रिकेट को हम अपना इन्जॉय करना चाहते हैं, और टेस्ट क्रिकेट इज वन ऑफ दी बेस्ट, इन्जॉय करता हूँ बहुत। उसके अलावा पाकिस्तान खेलने जा रहा है वेस्ट इंडीज से जमैका के अंदर, जमैका के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त रहा, लास्ट टाइम वेन वी प्ले 2017 हम लोग वहाँ पर दोनों टेस्ट मैच जीते थे, इस बार की कैप्टनसी के अंदर यूनिस खान का वो आखिरी था, दोनों मिलकर यूनिस खान का आखिरी टूर था, फिर उसके बाद मोहम्मद अब्बास का डेब्यू हुआ था वहाँ पर 2005 में, थोड़ा सा पीछे ले चलूँ 2005 में जब मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा था और हमने वहाँ टेस्ट मैच जीता था, मेरी वहाँ 5 विकेट बॉल रही थी उस टेस्ट मैच में, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच जीते थे जिसमें ब्रायन लारा और चंदर पॉल सारे लोग मौजूद थे, और हमने वो टेस्ट मैच जीता था, और मैन ऑफ द मैच ऑफ दैट टेस्ट मैच, तो स्पिनर का काफ़ी बोल बॉला रहता है, पिछली दफ़ा भी देखा कि स्पिनर ने काफ़ी जो है उस विकेट के ऊपर कारनामा दिए हैं, और हमेशा वहाँ पर स्पिन विकेट रहती है। तो पाकिस्तान की जो लाइनअप है डेफिनेटली वो जो लाइनअप के अंदर आबिद अली होगा, बाबर आजम है, अजहर अली है, फवाद आलम है, इमरान भट्ट के साथ आबिद अली ओपन करेगा, फिर उसके बाद जो है फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में अच्छी रही है, नुमान अली
रहेगा, मोहम्मद रिजवान रहेगा, हसन अली रहेगा, फिर उसके बाद अभी ये देखेंगे शाहिनशाह अफरीदी होगा। अभी ये डिपेंड करता है कि डेब्यू, मैं समझता हूँ कि शाहनवाज दानी का डेब्यू होने जा रहा है कल, और उनको टेस्ट कैप मिलने जा रही है जिस तरह की वो लड़के ने परफॉर्म किया हुआ है, उसको टेस्ट कैप जो है डिजर्व करता है वो, तो उसको खिलाना चाहिए, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ की इतना अच्छा नहीं रहा है टेस्ट रिकॉर्ड, क्योंकि अभी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो सीरीज में हार गई थी, फिर उसके बाद जो है श्रीलंका के साथ ड्रॉ किया था उन्होंने, इतना अच्छी उनकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं रही है। क्रेग बैथविक की कैप्टनसी में काफ़ी सीनियर बहुत प्लेयर है, और देखते हैं कि जाहिद महमूद को मौका देते हैं या फिर यासिर शाह, अपने फिट हो चुके हैं तो यासिर शाह खेलेंगे उसमें, लेकिन यह है कि पाकिस्तान को चाहिए कि शाहनवाज धानी को ज़रूर खिलाए, उनका डेब्यू कराए, और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शुगन हो सकता है, बिकॉज एक बहुत लंबा लॉन्ग टॉन फास्ट बॉलर आपको मिल जाएगा, बहुत ही मॉस मिल जाएगा, तो आई विल गो विद शाहनवाज धानी। तीन पेसर्स हो जाएंगे, दो स्पिनर हो जाएगा जिसके अंदर रोमान अली और जो है यासिर शाह, या तो फिर अपना जो है ऑफ स्पिनर के साथ हो जाएंगे। ऑफ स्पिनर के साथ तो आई डाउट इट कि वो जाए पाकिस्तान, दे विल गो विद डेफिनेटली यासिर शाह एंड रोमान अली, ये ऑप्शन बनते हैं, रोमान अली को बाहर नहीं करना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें, ग्रेट बैटमैन है, उनके कैप्टन है, उनके पास जर्मन ब्लैकवुड है, शमन ब्रुक्स है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली थी पिछले टेस्ट मैचों के अंदर, कान कोवल है, उसके बाद रकीम कॉर्नवॉल ऑलराउंडर है, ऑफ करते हैं बैटिंग करते हैं, जैसे वॉल्डर है, रॉस्टन चेज बड़े की प्लेयर हैं इनके, उसके बाद कायल मेयर्स, रिमेंबर द नेम, जिसने जो है शानदार 200 रन की इनिंग खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ और जो है टेस्ट मैच जिताया था वेस्ट इंडीज़ को, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, हिस्ट्री की थी शाही होप है, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में इज वेरी गुड, अलजेरी जोजफ है, के बाद राउच है, फिर उनके पास तो ये अच्छी इनके अटैक है जैसे होल्डर के साथ वो अगर जाते हैं तो, लेकिन पलड़ा जो है पाकिस्तान का भारी है, वहाँ पर जो है टॉस जीत के डेफिनेटली जमैका के विकेट पे भी आप जो है पहले बैटिंग करें, रन स्कोर करें, और आखिरी दिन के ऊपर है आप अपना थर्ड फोर्थ डे बॉल तो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, सेकेंड डे से ही फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाएगा, लास्ट सेशन से वहाँ पर बॉल ग्रेप होना शुरू होता है, तो टीम वन द टॉस बैट फर्स्ट और जो है टारगेट सेट करें, और फिर मुश्किल हो जाएगा चेस करने के, जहाँ आपके पास बेस्ट क्वालिटी स्पिनर्स हो उनको चेस करना डाउन मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस ये थे तीन टॉपिक आज के दिन के लिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज टेक केयर, एंजॉय द टेस्ट मैच, बहुत दोनों टेस्ट मैच का इंतजार है, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड एंड पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज़। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू गाइस।